बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, बरकत और शुक्र के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आज आपको मिलाते हैं हमारी और बुज़ुर्ग शख्सियत से जो कि आज हमारे पास है, तो आज उससे करते हैं गुफ्तगू और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो कि उन्होंने गुजारा, कभी खुशी कभी गम के साथ। तो आज काफ़ी सारी बातें हम करेंगे आपसे शेयर। तो अभी हम चलते हैं आपको हमारी बुज़ुर्ग शख्सियत के पास लेकर, जिसे हम प्यार से लाला लाला कहते हैं। नाम उनका है चौधरी मकसूद अहमद। तो अभी हम आपको भी मिलवाते हैं लाला मकसूद से और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी का हाल। और इस वक्त वो माशाल्लाह से उनकी एज तकरीबन है 50 से 55। लाला इन्नी होनी है ना, क्यों 70? अच्छा, 70 से 80 साल के नज़दीक है। तो जी चले आपको लेकर चलते हैं लाला मकसूद की जानिब और आज देखते हैं वो क्या हमसे शेयर करते हैं। ये हैं हमारे लाला मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम। कैसे हैं लाला जी? अच्छे हैं, अल्लाह दे रहा तो बैठे हैं। तो जी अज साडे वीबरां तुसीं दसो अपनी जिंदगी दा अहवाल। कभी मंदराले ते कभी चंडोला यार ते कभी बखोरे ते कभी चासी। अच्छा, कभी सांगड़। कभी सांगड़। इतने सारे आपने रिहाइश की या वैसे ही कुछ दिनों के लिए? नहीं, कभी 10 साल कभी 5 साल। 10 साल 5 साल दा अरसा कितने भी नहीं गुजारी। हाँ, गईया फिर 2 साल फिर 4 साल बस। हल बाबा हलो टपटाड़ी को लेकर खुशी का पल आपका जो गुजरा हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो? खुशी आई नहीं मेरे से, खुशी पला पला पाई दी रही। खुशी को गया वहाँ पर खुशी ना कर तू लैग लाइन। तो क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? कुछ भी ना क्या करना बैठे मक्खियाँ मोड़ रहे। अच्छा, जो ज़िंदगी के अंदर टर्न मोड़ आते रहे, जो दुख तकलीफ़ें आती रहीं, उनको खुशी भी बहुत दुख है। बहुत दुख है भाई, उनको सहा शेर में बार बार में करा। अच्छा, उससे सब्र करा। सब्र करने वाला ही तो सबसे बड़ा काम है। चुप करके हमारे को अम्मी का हिस्सा जो है ना, मेहरबानी करके माजरत है हमारे को दे दो। लाला आख दे ठीक मेरी वीडियो देख के। चल लाला आख दिया की आका लाइक लाइक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये सिगरेट पीना आपने कब से शुरू किया सलमान भाई? ये गर्दारी साहब आए थे, उसने दिया था। गर्दारी साहब ने पिलाया है। सिगरेट भी इतना है कि सफ़ा हल्की कंपनी का है, ये हमारे को खांसी करेगा। पीने से क्या होता है इसको? पीने से खाली धुआं निकलता है। तो फिर इतना लोग शौक, इसका तो धुआं भी नहीं निकल रहा। निकल रहे। आप इतना नज़दीक क्यों कर रहे हो? धुआं निकाले ना, हम धुआं देखना चाह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पॉइंट से चालू करता हूँ कि आज हमारे चाचा जी गए हैं ट्रक लेने के लिए। तो हमने बोला हम भी चलते हैं आपके साथ ट्रक लेने के लिए। वो उसने हमें तेल ही नहीं भरवा के दिया, उसने हमारे पेट्रोल में मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। हमने बोला 50-100 रुपये हमारे को दो तो हम पेट्रोल भरा के जाते हैं। उसने बोला नहीं, हमने बोला एक जाने को साथ बैठा लो, बोला नहीं मेरे टायर नहीं मिठा ही। तो कौन सी गाड़ी लेने गए हैं? राकेट बेडफोर्ड लेने गए हैं। अच्छा, हाँ, अल्लाह करे गाड़ी आएगी, फिर हम खरीद करेंगे बिरयानी वाली जेब। सारे भाई खाएंगे बैठ के, उससे ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा खुशी के गाड़ी आ जाए। अच्छा। मैं बोलता हूँ चांदी वाली बन्नी बिक जाए उसके बाद आए। सीधा पॉइंट पे आते हैं। मुझे नाई को बोला था छोटी कर दे, उसने बोला 50 रुपये रखूँगा मुझों के। मुझे बोला बड़ी रखो। तो जी भाई मोटे बोते हो गए, परे करी थोड़ा। बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, लाइक ज़रूर करें।
सो गाइस, आज जुमातुल मुबारक का दिन है। मैं रेडी हो चुका हूँ, जुमा की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। जुमा की नमाज़ पढ़ के आते हैं, उसके बाद फिर मेरे चाचा जान जो हैं वो आज गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो वो गाड़ी देखें कौन सी लेकर आते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल जुमा पढ़ के इस गाड़ी आ चुकी है और अभी हम आपको दिखाते हैं। चाचे, मेरे चाचे अब्दुल गफ्फार ने गाड़ी ली है, तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने, मैं जिस चीज़ के लायक नहीं था अल्लाह पाक ने मेरे को वो दिला दी। मैं भी ट्रांसपोर्ट बन गया। मेरे पहले मेरे बड़ों में से मेरा एक चाचा था, अकबर नाम था उसका, वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट थे, उसने बसें चलाईं और वो इश्क बहुत थे बसों के, और वो इश्क में ही बसें लुटा दी उसने। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमारे ख़ानदान में फिर हमारे को ट्रांसपोर्ट बनाया, और मेरा भतीजा भी शहजाद भी ट्रांसपोर्ट आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बच्चे खड़े हैं, भतीजा मेरा मूवी भर रहा है। सामने जो है गाड़ी में से सामान मिला वो मिली है। दुआ करें अल्लाह पाक हम सीटें भी बनाएंगे गाड़ी को इंशाल्लाह, जोबन में लाएंगे, और अली शेर भाई का नाम ऊपर होगा इंशाल्लाह ताला, अली शेर का नाम ऊपर होएगा। और जब गाड़ी बनेगी हर कोई देखेगा, देखो भाई अली शेर वाली गाड़ी है जो अली शेर ने अपने भाई मामाजाद भाई को दी है। हमारे हमें इसे में कामयाबी नसीब फरमाए। तो चलें अभी हमें दिखाएं अपनी गाड़ी। आप आए पहले हमारी गाड़ी का स्पेयर पार्ट देखें। सबसे पहले ये तकिया, जो पहला ड्राइवर होता था मालिक, उसको तकिया पीछे लगा के तो तकिए से वो गाड़ी चलाता था। वो उसकी सीट है जो फ्रंट के साथ ड्राइवर के साथ बंदे बैठते थे। ये सामने रेडिएटर उस गाड़ी का बहुत लीक है, दुआ करें अल्लाह हमारे को रेडिएटर नवा दे। ये डब्बा था उसमें पानी डालते थे जमसा बाद पहुँचते थे। वो जेक है, एक जेक है, एक बेलचा है, फुटबैली है, और ये मालक था उसने ये गाड़ी का जेज है, उसमें पुराने तरपाल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो भी मिला अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें खुश रखे, आपको भी खुश रखे। और अभी चलें हमें गाड़ी दिखाएं, घर है आगे हम जा रहे हैं अभी गाड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। और ये मैंने, मेरे को अल्लाह पाक ने एक बच्ची दी है, गाय दी है, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एक पाड़ा लेके रखा है हमारे बच्चों के हकीके के लिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसमें बरकत डाले। ये है जी गाड़ी, बैक साइड है, और ये हमने गाड़ी ली है पीछा भरे अल्हम्दुलिल्लाह 183 मीरपुर खास का नंबर है। और ये गाड़ी में माशाल्लाह हमारे को टायर नए मिले, अब बाड़ी ऊपर करें, अब बाड़ी भी माशाल्लाह हमारी साफ सुथरी अल्लाह पाक ने दी है। ये गाड़ी के दरवाजे हैं, फ्रंट की साइड है, और ये साइड में दरवाजों को निकल लगा हुआ माशाल्लाह। ऊपर केबन है हमारा गंजा है, अल्लाह पाक दुआ करें हमारे को कैरियर देगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आगे हमारा जो है इंशाल्लाह ताला ये फ्रंट के अगले टायर हैं, ये भी माशाल्लाह नए हैं अभी तक, गुजारे जैसे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके गाड़ी में काम है। ये डैशबोर्ड है, और सामने जाली भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जाली भी हमने ये ऊपर से करें आप, जाली जो है हमने ये वाली ऊपर वाली नहीं है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंजन हमारा इंशाल्लाह ताला स्टैंडर्ड पे है, खोल के दिखा दें इंजन गाड़ी का माशाल्लाह हमारा स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इंजन पे हमने गाड़ी आज़ाद की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंजन पे हम फिर इसको आज़ाद करेंगे। मीरपुर खास हमारे डिस्ट्रिक्ट का नंबर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे को टैक्स पलाना भी सौखा, और मीरपुर खास में हम एक घंटे का सफ़र है टैक्स पला के आ सकते हैं, और कंप्यूटर नंबर है इंशाल्लाह ताला। और नीचे इसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी की कुमानी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, और धड़ी डबलिंग हुई है, ट्यूब छोटा है, इन गाड़ी का जो भी सामान होता है आगे शाफ्ट है पीछे ऐसा है सब इस राकेट में होता है, यानी नीचे से गाड़ी हमारी यस है, नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेम गाड़ी का ओके है। तो जी यहाँ से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका काम होने वाला है, ये सारा सामान पड़ा हुआ है, सिर्फ ये लगवाएंगे, बाकी माशाल्लाह से सब कुछ होएगा, पर सुबह अल्लाह खैर करेगा, गाड़ी बिल्कुल यस है। चलें ये आपको अंदर से दिखाते हैं, अभी अंदर से काम होने वाला है इसका, बैक साइड का भी, ऊपर से तो माशाल्लाह ठीक है, अंदर भी इसका काम होने वाला है, कुशन वगैरह का भी काम है, जिसमें ये सीट और बराबर वाली सीट वो भी, और स्टेयरिंग वगैरह का काम है, बाकी माशाल्लाह से गाड़ी जो है वो अच्छी मिली है, फर्स्ट क्लास हो गया है।
मैं गाड़ियों के चक्कर में पड़ा हूँ, गाड़ी जिधर देखता हूँ मुझे गाड़ी वो ना 15 लाख 20 लाख से कम कोई मेरे को गाड़ी देता नहीं। ये अल्लाह पाक ने, मैंने रात नमाज पढ़ी और तकरीर कर रहा था, बच्चों को बोला, मैंने बोला दुआ करो, तो अल्लाह पाक मुझे भी मेरे लिए आसानी फरमाए, रोजी का एक जरिया बनाए, तो अल्लाह पाक ने मेरी शब बरात पर सुन ली। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सब कुछ हमको हमें मिला है, दूँगा। ये अल्लाह पाक का देन है, हमारी इतनी औकात नहीं जितना हमारे को अल्लाह पाक ने दी है। तो जी अभी गाड़ी खड़ी करने के लिए जा रहे हैं पंप पे। समीर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये समीर भी बैठ गया। समीर टाटा टाटा है। ये अभी जा रहे हैं पंप पे। सो गाइस, इसी के साथ आज आपसे चाहेंगे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल फौजल अजीम को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।